बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं सीएस 402 का करंट पेपर मिड टर्म 2022 का। जो आजकल पेपर हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ठीक है, ये जो करंट पेपर होते हैं वो इस लिहाज से अहम होते हैं क्योंकि इनके जो टॉपिक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और कोशिश करें कि अगर किसी टॉपिक से आपको सवाल आया गया है तो वो टॉपिक पूरा कवर करें, ना कि उस सवाल को कवर करें। ठीक है, उस सवाल को तो वैसे भी आप कवर करें ही करें, तो पूरा आप उस टॉपिक को कवर करें कि उस टॉपिक में से वाकई कोई और सवाल भी निकल सकता है। तो कोशिश क्या करें, सिर्फ एक सवाल को ना देखा करें, उस पूरे टॉपिक को देखा करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और उसमें से अगर आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। तो इसमें जो सवाल आए हुए थे वो ये कि करंट पेपर है 12 MCQs पास्ट पेपर से थे, जिसमें वकार सिद्धू और जो दूसरे बाकी सारे के सारे हैंड आउट से थे। अब इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर था वो ये, राइट द रूल्स ऑफ CFG कोरस्पॉन्डिंग टू रो। ठीक है, ये 3 मार्क्स का सवाल था, इसको आपने अच्छे से कर लेना है इस पूरे टॉपिक को। CFG वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लाजमी किया करें। उसके बाद TG वाले, GTG वाले, ये वाले जो टॉपिक हैं ये लाजमी आप किया करें। उसके बाद चेक आउट द फॉलोइंग इज डिसाइडेबिलिटी। ठीक है, नंबर M इज द प्राइम, आपने इसको चेक करना था। उसके बाद प्रोडक्शन रूल बताने थे CFG के। ठीक है, ये आप 3 आप लिख दें काफ़ी है, 3 मार्क्स का है ये सवाल। उसके बाद फाइंड द प्रीफिक्स Q इन R, ये भी 3 मार्क्स का सवाल था। ठीक है, तो प्रीफिक्स वाला टॉपिक भी आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग CFG इज एम्बिगुअस, कोई CFG आपको दिया गया था वो आपने बताना था। ठीक है, एक्सप्लेन करना था, ये 5 नंबर का सवाल था। उसके बाद द क्वेश्चन इज गिवन टू कन्वर्ट CFG इंटू CNF। ठीक है, एक सवाल दिया हुआ था जिसमें CFG दिया हुआ था, आपने उसको CNF में तब्दील करना था। इसके कुछ असूल हैं CFG से CNF में तब्दील करने के लिए, आप अपने हैंड आउट से वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर हैंड आउट से नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी आपको इसको आंसर मिल जाएंगे। पहले तो कोशिश करें आपके हैंड आउट में इसके जवाब मौजूद हैं, तो वहां से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सवाल आप लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, हो सकता है इंशाल्लाह आपके इसमें से 1-2 सवाल लाजमी रिपीट हो जाएंगे। तो पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं उन सबसे आखिर में गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।